सो हेट सका। तो गाइस जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, ठीक है, तो गाइस किस तरह की गेम प्ले एंड क्या ग्लू होल की मतलब स्पीड वगैरह थे, ठीक है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बताएंगे थ्री फिंगर का सबसे बढ़िया कस्टम मोड, ठीक है, मेरा कस्टम मोड, ठीक है। एंड गाइस मैंने भी कुछ बंदों से देख के एंड गाइस जो मैंने ये कस्टम मोड बनाया है, ठीक है, इस कस्टम मोड में अभी मेरे को 2 मंथ हुए हैं एंड इसमें जो गेम प्ले है, ठीक है, वो 0 से हीरो वाली हो गई है बिल्कुल। और इस वीडियो में बताएंगे आप क्या थ्री फिंगर में कौन सा कस्टम मोड सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे तो आपको बता दूँ आपको कस्टम मोड प्लस सेंसिटिविटी, ठीक है, एंड प्लस फायर बटन का साइज, 3 चीज़ इस गेम में मतलब वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो भाई बिल्कुल ही आपको डिटो कॉपी वो कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है एंड अपने गेम प्ले में पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस आपकी जो गेम प्ले है, ठीक है, उसमें खुद आपको चेंजेस दिख जाएंगे, ठीक है, एक ही दो गेम प्ले में ही चेंजेस दिख जाएंगे। तो भाई चलो ले चलते हैं अब हम आपको अपने कस्टम मोड में, ठीक है। तो भाई आ गए अपने हम कस्टम मोड में, ठीक है। एंड गाइस यहाँ जो थ्री फिंगर की कस्टम मोड है, ठीक है, चेक कर लो पहले तो मैं सबकी जो वो होती है ना ट्रांसफॉर्म में जो भी है ये, इसको मैं बढ़ा देता हूँ जो कि आपको ईजिली दिख जाए सबको, ठीक है। तो भाई फायर बटन का फायर बटन देख लो किस जगह पर, एंड फायर बटन का साइज देख लेना, ठीक है, एंड कस्टम मोड देख लो मेरा ग्लू होल किस जगह पे है, सेम इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है, मैं सबको ट्रांसफॉर्म से वो पूरा कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लियरली दे जाएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। एंड गाइस अपनी जो कस्टम मोड है, ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसा ही चेंज कर लेना है। एंड गाइस चेंज करने के बाद, ठीक है, आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो तो मतलब बिल्कुल 0 से हीरो बन जाएगी, लेकिन जो हेडशॉट है, ठीक है, वो किस तरीके से लगेंगे पर इसी वीडियो में जो सेंसिटिविटी बताऊँगा, ठीक है, वो आपको यूज़ करनी है जो NJLD के प्लेयर करते हैं, ठीक है, एंड मैक्सिमम ब्राज़ील सर्वर के भी और अच्छे अच्छे खासे प्लेयर यूज़ करते हैं जो 1v4 क्लचर होते हैं ना, तो भाई उनका जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो आपको दिखाने वाला है, रेवल करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई पहले तो इसका मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, एंड गाइस देख लो मेरा किस जगह पर, एंड जो फायर बटन का साइज़ है, ठीक है, वो आपको एक ही कभी नहीं करना है, ठीक है, 50 से प्लस कभी नहीं करना है, जो 1 से लेके 50 तक करना है, 50 से ऊपर नहीं करना है, ठीक है, उसका साइज़ 50 से नीचे रखना है, जो कि आपका ड्रैग अच्छा हो एंड फुली मतलब पूरे ड्रैग हो, ठीक है। एंड आ जाना अपने सेंसिटिविटी में, ठीक है, एंड गाइस जो सेंसिटिविटी में जो मेन है, ठीक है, वो है ये रेड डॉट, एंड गाइस इससे जो हेडशॉट होता है, ठीक है, वन टैप अगर आप प्लेयर हो, ठीक है, तो गाइस आपको वन टैप या कोई भी प्लेयर हो, ठीक है, SMG या फिर समझ लो स्पैम ही हो, ठीक है, आपको स्पैम करके रेड नंबर लेने हैं, तो गाइस उससे भी रेड डॉट है जो मेन सबसे ज़्यादा काम रेड डॉट का ही है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको पूरा 0 कर लिया हूँ, ठीक है, एंड गाइस जो रेड डॉट है, ठीक है, इसको आपको 1 से 5 के बीच में रखना है, ठीक है, 1 से 5 या 4 के बीच में रखना है, ठीक है, इसको आपको हाई नहीं करना है, ठीक है, जो आपका एम है वो बॉडी में ड्रैग करते हुए लॉक हो जाता है, तो गाइस इसी करके होता है, ठीक है। एंड गाइस आपको जो रेड डॉट है, ठीक है, देख लो मैं भी 4 रखा हूँ, ठीक है, 4 रख के एंड गाइस आपको गेम स्टार्ट कर देनी है, एंड गाइस देख लेना अगर आपका जो ड्रैग है, ठीक है, ड्रैग करने पे चेस्ट पे लॉक हो रहा है तो आपको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है, एंड धीरे धीरे करके 0 कर लेना है, अगर बिल्कुल ही नहीं मतलब फिर भी 1 पे भी अगर आपका चेस्ट पे हो रहा है ना तो आपको बिल्कुल 0 कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस आपका जो गेम प्ले उसको मैं खुद चेंजेस दिख जाएंगे, ठीक है। तो गाइस देख लो अभी मैंने कर लिया है बिल्कुल 4, ठीक है। एंड गाइस अभी मैं आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, एंड गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में देख लो मेरे किस तरीके से हेडशॉट लग रहे हैं, ठीक है, एंड किस तरीके का मतलब जो मेरी गेम प्ले हो रही है हेडशॉट प्लस मूवमेंट, ठीक है। एंड गाइस अभी तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, अभी देख लो मैं सब तरफ मतलब ये जो होता है ना ये जो बंदे भाग रहे हैं अलग अलग साइड से, कोई इसमें भी मेरे इजीली ड्रैग हो रहे हैं, बंदा राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है फिर भी उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, चाहे सीधा ड्रैग करूँ या रोटेशन ड्रैग करूँ, ठीक है, फिर भी उस बंदे को हेडशॉट लग रहा है, ठीक है। किस तरीके से लग रहा है गाइस, ये है आपका जो रेड डॉट का कमाल है, ठीक है, उससे हो रहा है, जो आपका एम है, ठीक है, बस आपको जो एम है वो बंदे को सही जगह पर ड्रैग करना चाहिए, बाकी हेडशॉट अपने आप ही लग जाता है, चाहे बंदा राइट में जाए लेफ्ट में जाए, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड गाइस देख लो अभी ड्रैग हो रहा है, एंड गाइस इसी चीज़ को, ठीक है, आपको अप्लाई करनी है। एंड गाइस एक चीज़ और इस वीडियो में, ठीक है, ये जिस तरीके से मैं हेडशॉट मारता हूँ, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा वो बैठ के क्राउच वाला हेडशॉट, ठीक है, ये जो गेम प्ले है, ठीक है, प्लस जो मूवमेंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्राउच वाला हेडशॉट मार रहा हूँ, इससे जो मेरे हेडशॉट है, ठीक है, उसके जो मेरे चांसेस हैं वो मतलब 0 से मतलब अगर मेरा 10% चांस है ना तो मेरा 50% चार्ज हो जाता है मैं अगर क्राउच करके हेडशॉट मारता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी बनी हुई है वो क्राउच वाली ही बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से क्राउच करके हेडशॉट लगाने की सीख रहा था। एंड गाइस अभी मैं इसमें पूरा ही हो गया हूँ, मतलब पूरा नहीं फिर भी 80% तो हो गया हूँ, 20% की कमी है, ठीक है, वो भी हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही खेलते रहा, ठीक है। तो गाइस देख लो अभी किस तरीके से हेडशॉट लग रहा है, बंदा राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है फिर भी उसके हेडशॉट लग जा रहा है ईजिली, ठीक है। तो गाइस एंड गाइस आप ये वाला क्राउच वाला हेडशॉट कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, तो भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 6 मिनट की शायद से वीडियो बन जाएगी।
तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना अगर किसी को चाहिए ये वाली टिप्स एंड ट्रिक, ठीक है। गाइस मतलब ये ड्रैक बैठ के मतलब क्राउच वाला हेडशॉट, ठीक है, ये अलग ही तरीका है, ठीक है। एंड जो ग्लू वॉल है वो बिल्कुल कर्व वाला ग्लू वॉल लग रहा है, सर्कल वाला ग्लू वॉल लग रहा है, जिससे अगर सामने चार बंदे हैं, ठीक है, फोर चार प्लेयर है, 1v4 हो रहा है, फिर भी आप इजीली सबसे बच के इजीली हेडशॉट सबको ले सकते हो, ठीक है। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना अगर उसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, ठीक है, ये वाले हेडशॉट के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, तो गाइस प्लीज़ से मेरे को कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।